हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसकेके एग्जाम स्टडी। दोस्तों, हरियाणा सामान्य ज्ञान की वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि टॉपिक वाइज रहेगी और इसमें वन लाइनर के क्वेश्चन हैं जिसको आप इजी से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के प्रमुख बांध। बांध मीन्स डैम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो किस नदी पर कौन कौन से डैम बने हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो गगर नदी हरियाणा की सबसे फेमस नदी है, सहायक नदी है। गगर नदी पर कौन कौन सा डैम बना हुआ है? कौशल्या बांध जो कि पंचकुला में है, फिर छमला बांध, दगरना बांध, दीवान वाला बांध। दोस्तों एक बार और देखो, कौशल्या बांध जो कि पंचकुला में है, छमला बांध, दगरना बांध, दीवान वाला बांध, ये सभी जो बांध है वो क्या है? गगर नदी पर बने हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, वियराज बांध ये भी गगर नदी पर बना हुआ है। ओटू सिरसा सिरसा जिले में ओटू, ठीक है, ओटू बांध भी जानते हैं इस नाम से। और दोस्तों हरियाणा का कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि हरियाणा का मिट्टी से बना और सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो वो दोस्तों कौन सा बांध है? वियराज बांध या ओटू बांध। नेक्स्ट है यमुना नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? अथीनी कुंड जो बैराज है यमुनानगर में, ताजे वाला बांध, किसाऊ बांध और रेणुका बांध, ठीक है। यमुना नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? अथीनी कुंड, ताजे वाला, किसाऊ, रेणुका। नेक्स्ट देखो, साहिबी नदी है हरियाणा की, उस पर कौन सा बांध बनाया गया है? मसानी बांध रेवाड़ी में, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट है कृष्णा जो डैम है वो कहां पर है? दोस्तों कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट देख लो, राज्य का एकमात्र ग्रेविटी बांध जिसका नाम क्या है? अनंगपुर बांध जिसको ग्रेविटी डैम के नाम से भी जानते हैं। और ये जो डैम है वो कहां पर है? फरीदाबाद में। नेक्स्ट लाल टोपी बांध कहां पर है? यमुनानगर में। नेक्स्ट है मछुआरों का स्वर्ग कहां पर है? देखो इस पर कौन कौन से, मतलब ये अथनी कुंड जो बैराज है उसको मछुआरों का स्वर्ग कहते हैं क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा मत्स्य पालन का जो कार्य होता है, यमुनानगर में। और ये जो हरियाणा का प्रथम कंक्रीट वाला डैम है ये, ठीक है। नेक्स्ट है पथराला बांध किस नदी पर बनाया गया है? सोम नदी पर। नेक्स्ट देखो, यमुना की किस सहायक नदी पर रेणुका बांध बनाया जा रहा है? कौन से बांध पर भाई? कौन सी नदी है वो सहायक नदी? गिरी नदी भी कहां से निकलती है? हिमालय से निकलती है, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एसकेके एग्जाम स्टडी। दोस्तों वीडियो को पूरा देखो, शेयर करो, लाइक ठोक दो, ठीक है। और ऐसे ही आपके लिए क्या है, बेस्ट से बेस्ट वीडियो टॉपिक के साथ, वन लाइनर, क्रैश कोर्स, बहुत सारा चीज चली हुई है हमारे चैनल पर। आपकी जिस चीज में रुचि है, जिस तरीके से आप पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो। वन लाइनर देख लो, मॉक सीरीज देख लो, डिस्ट्रिक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, जिस तरह से आपको हरियाणा जीके पढ़नी है उस तरीके से आप पढ़ सकते हो। चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, बहुत सारी वीडियो हमने अपलोड कर दी है, रेगुलर करेंगे भी, हम आपके साथ हैं। आप तैयारी करो, कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो अगर मेहनत साथ है, बिना मेहनत के कुछ नहीं है, ठीक है। ये मत सोचो कि पेपर के 15 दिन पहले पढ़ लेंगे, अभी पढ़ो, पेपर हो या ना हो, ठीक है। ये मत सोचो जनवरी में है तो 10-15 दिन पहले पढ़ेंगे, अरे 10-15 दिन पहले पढ़ने से एग्जाम थोड़ी क्लियर होते हैं, ठीक है। तो अभी सिर्फ क्या है भाई, तैयारी करनी शुरू कर दो, 5-5-6-6 घंटे पढ़ो। जिस सब्जेक्ट में आपको एक स्ट्रेटेजी बना लो, सिलेबस आप लिख लो एक पेज पर, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो, ठीक है। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को बताओ, शेयर करो वीडियो को, और क्या है, फैला दो भाई, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखो, हम आपके साथ हैं, ऐसे ही आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो
लाते रहेंगे, हरियाणा जीके की भी, इंडियन जीके की भी, रीजनिंग की भी, इंग्लिश की, मैथ की, हिंदी ग्रामर की, सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो जय हिंद जय भारत, अगली वीडियो में मिलते हैं।